आज बात करेंगे UFC 263 जबरदस्त मुकाबला है, चैंपियन ऑफ चैंपियंस मिडलवेट जो है इजराइल अदेसानिया, नाइजीरियन डिसेंट के न्यूजीलैंड के फाइटर हैं, कीवी हैं, उनके सामने होंगे इटालियन लायन मार्विन विटोरी। बहुत जबरदस्त मुकाबला इसलिए क्योंकि पहले भी एक बार लड़ चुके हैं ये दोनों और बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट था। स्प्लिट डिसीजन, स्प्लिट डिसीजन क्या होता है, तीन राउंड खेले, तीन जजेस होते हैं, तीन जजेस ने स्कोर करा कार्ड 29-28, दो जजेस ने अदेसानिया के फेवर में और एक जज ने विटोरी के फेवर में। तो आज तक विटोरी यही मानते हैं कि मैं वो फाइट जीता हूं और अदेसानिया बोलते हैं भाई ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह है जो मेरे पीछे पड़ा रहता है, आज मैं इसको एक बार जबरदस्त तरीके से हरा के प्रूव कर दूंगा पूरी दुनिया को कि मैं ही एक अल्टीमेट चैंपियन हूं, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC का चैंपियन। तो संडे को सुबह 7:30 बजे लाइव होगा ये हिंदुस्तान में, आज आपको इसका पूरा अपडेट देंगे, कौन है इजराइल अदेसानिया, कौन है मार्विन विटोरी, क्यों इतना घमासान युद्ध ये होने वाला है। पिछली बार 3 राउंड का कॉन्टेस्ट था लेकिन इस बार क्योंकि टाइटल फाइट है तो 5-5 मिनट के राउंड और एक के बाद एक जबरदस्त राउंड। दोनों का फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल ही डिफरेंट है। मेरे साथ रोहित है, रेहान है, रेहान आपको टेलर द टेप भी बताएंगे थोड़ी देर में, लेकिन फाइटिंग स्टाइल क्यों डिफरेंट है रोहित, इसमें क्या है, इजराइल अदेसानिया जो है वो किक बॉक्सर है तो वो ज्यादातर किक्स पर डिपेंड करते हैं। पिछली फाइट में भी उन्होंने इनसाइड लेग किक से उनका टांग जो है उसको जख्मी कर दिया था तो मोबिलिटी कम हो गई थी विटोरी की। लेकिन अगर विटोरी की बात करें तो विटोरी ज्यादातर सबमिशन से जीतते हैं। टोटल में जो फाइट्स इजराइल अदेसानिया ने खेले हैं वो 21 फाइट्स हैं और मार्विन विटोरी ने खेले हैं 22 फाइट्स, जिनमें से यहाँ पहले इजराइल अदेसानिया के बारे में बात कर रहा हूँ तो टोटल में 20 विंस और 1 लॉस, और मार्विन विटोरी की बात करें तो 17 विंस और 4 लॉसेस और एक था नो कॉन्टेस्ट, एक ड्रॉ था। लेकिन मैं ये बता दूं जो 20 विंस और 1 ये जो लॉस बोल रहे हैं वो लॉस कब आया, एक अभी जो लास्ट फाइट है वो हारे इजराइल अदेसानिया, वो भी क्यों हारे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी एक वेट कैटेगरी से ऊपर लड़ाई करी थी। वो मिडिल वेट चैंपियन ऑलरेडी है लेकिन वो लाइट हैवी वेट चैंपियनशिप, मतलब दो दो बेल्ट जीतने के लिए जा रहे थे लेकिन लाइट हैवी वेट चैंपियन से वो हार गए, क्यों हारे ये भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन आप पहले टेलर द टेप कंप्लीट कर लीजिए। तो सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं, इजराइल अदेसानिया 4 साल बड़े हैं मार्विन विटोरी से, इजराइल अदेसानिया की एज है 31 ईयर्स और मार्विन विटोरी की एज है 27 ईयर्स ओल्ड। तो अब हम हाइट के बारे में बात करते हैं तो इजराइल अदेसानिया की हाइट है 6 फीट 3 इंचेस और मार्विन विटोरी की हाइट है 6 फीट। तो अब ये जैसे मैं रियर नेकेड चोक रोहित के ऊपर ट्राई करता हूं, अब ये रियर नेकेड चोक है ठीक है, अब इसमें पीछे लेके जाए और जमीन के ऊपर होता है रियर नेकेड चोक, वैसे ही गिलेटिन चोक, गिलेटिन चोक क्या है, आगे से यूं पकड़ के ऐसे ठीक है जी। अब इसको भी गिलेटिन चोक से वो जब चोक करते हैं तो भी बंदा जो टैप आउट कर देता। तो मार्विन विटोरी जो है वो ज्यादातर फाइट्स अपनी जीते हैं सबमिशन से। उन्होंने रियर नेकेड चोक, गिलेटिन चोक, टो होल्ड, इतने बहुत सारे सबमिशन करे हैं, जबकि इजराइल अदेसानिया जो है वो ज्यादातर नॉकआउट आर्टिस्ट हैं। तो जैसे मैंने बताया उन्होंने इनसाइड लेग किक मार मार के पिछली बार उनकी मोबिलिटी खत्म करी, एल्बोज बड़ी अच्छी मारी। पिछली बार क्या हुआ था, एक कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी बीच में जब वो विटोरी ने बोला था कि भाई इन्होंने आंख में पोक करा, फाइट भी रुकी थोड़े टाइम पे, उनका क्या इल्जाम था कि ये क्या करता है, पहले आंख में उंगली मार देता है और उसके बाद एकदम से ही फॉलोज इट अप विद अ एल्बो। तो वो एल्बो जो थी बड़ी घातक एल्बो थी और उसकी वजह से ही इनको एडवांटेज भी मिली थी। इजराइल अदेसानिया ने अभी बोला भी है कि वो जो मेरी एल्बो थी तुम रो रहे थे उसके ऊपर, इस बार भी तुम्हें एल्बोज मिलेंगी। नीज जो है इजराइल अदेसानिया दूसरा जो एक ब्राजीलियन स्टाइल है मुआय थाई का, क्योंकि किक बॉक्सर है तो नीज जो है वो बहुत टू द फेस नीचे लाकर और नीज टू द फेस जॉ पे बहुत ही खतरनाक। तो दोनों की फाइट बड़ी जबरदस्त इसलिए रहेगी कि क्या वो ग्राउंड एंड पाउंड कर सकते हैं, जो मैंने भी आपको बोला था कि एक फाइट वो हारे हैं इजराइल अदेसानिया, जो वो फाइट हारे हैं लास्ट फाइट जो हारे हैं लाइट हैवी वेट चैंपियनशिप के लिए फाइट उन्होंने करी, मिडिल वेट चैंपियन तो ऑलरेडी है, क्यों हारे वो, क्योंकि ग्राउंड एंड पाउंड उनको जो है टेक डाउन कर दिया गया। तो ग्राउंड एंड पाउंड के लिए अगर आप इधर आए तो क्या होता है, अब आपको थोड़ा सा गिरना भी पड़ेगा मेरे ख्याल, जैसे अगर आप सीधे इस साइड मुड़े थोड़ा सा मेरी तरफ जी इधर है, जैसे उस दिन धीरज ने आपको गिराया था ना, तो उसमें क्या होता है अगर आप एकदम से रेसलिंग में नीचे आ जाइए, गिरिए नीचे आइए, हाँ नीचे जाइए, अब ये जब एक बार टेक डाउन हो गया तो उस पे जब ग्राउंड एंड पाउंड ऊपर से मार रहा है जो भी फाइटर है उसके ऊपर जो है, आ जाइए ऊपर आ जाइए, उसमें जो है आपके जो दूसरे फाइटर है उन पर डिपेंड करता है कि कितना उनको जुजुत्सु जो है ब्राजीलियन जुजुत्सु जिसको बोलते हैं कि ग्राउंड गेम उनकी कैसी है। तो इजराइल अदेसानिया की ग्राउंड गेम इतनी अच्छी नहीं है, तो बहुत ही जबरदस्त एक मुकाबला होने वाला है। दोनों में हमारी पंजाबी में कहावत है इट कुत्ते दा बैर, वैसा बैर हो गया, बहुत ही ज्यादा नफरत है। अगर आप इनके इंटरव्यूज भी देखें तो वो एक दूसरे को बोल रहे हैं कि मैं इसको खत्म कर दूंगा, बोल रहे मैं इसको खत्म कर दूंगा। अगर विटोरी जीतते हैं
तो वो पहले इटालियन चैंपियन बनेंगे यूएफसी हिस्ट्री में. और बोल रहे मेरा ड्रीम है जो 2018 में अप्रैल में वो हारे थे उसका वो बदला लेंगे. वो भी वो नहीं मानते कि मैं हारा था, डिसीजन स्प्लिट था. और इज़राइल अदेसानिया लेजेंड किलर हैं, उनका नाम है द लास्ट स्टाइल बेंडर. स्टाइल बेंडर का मतलब वो सारे स्टाइल्स कंबाइन करके खेलते हैं, सारे स्टाइल्स कंबाइन करके खेलते हैं. उन्होंने लेजेंड्स को हराया एंडरसन सिल्वा को पिछली वो तीन जो अपनी मिडिल फील्ड डिवीजन में, तो वो फाइट हारे ही नहीं है कभी भी. तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इस बार देखने के लिए कि कौन जीतेगा. एक चीज मैं जानना चाह रहा था बस आपसे कि इस पे जैसे हम बॉडी के पार्ट्स देखते हैं कि भाई कहां कहां आप ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हो कि भाई ये इस पार्ट पे हिट नहीं करना. आपने आईज का बताया कि भाई आमतौर पर हम देखते हैं कि फाइट्स में नहीं होता ये अलाउड, इसमें ऐसा कुछ है? आईज का है, आप ऑब्वियसली ग्रोइन एरिया पे आप नहीं मार सकते. आईज का है, उसके ऊपर ये भी अब इन्होंने नया रूल बनाया था. एक्चुअली प्राइड एफसी जब जापान में होता था होता था कि अगर आप ग्राउंड पे हैं, अगर आप पूरे के पूरे ग्राउंड है, जैसे मैंने आपको गिराया था, तो ग्राउंड एंड पाउंड में आप सॉकर किक्स नहीं मार सकते, किक टू द फेस नहीं कर सकते. तो किक्स नहीं कर सकते आप फेस पर, उसके अलावा ज्यादातर चीजें अलाउड हैं, लेकिन किक नहीं कर सकते फेस पे, ग्रॉइन एरिया पे नहीं मार सकते, ऑब्वियसली आंखों में नहीं मार सकते. ये दो तीन चीजें, ऑल्सो बैक ऑफ द हेड, बैक ऑफ द हेड आप नहीं मार सकते, वो बहुत रिस्की होता है. तो अगर आप ग्राउंड एंड पाउंड कर रहे हैं तो सर के पीछे वाले हिस्से पे आप वार नहीं कर सकते. ये थोड़े बहुत इसके नियम है, बट बारिंग दोज रूल्स आप चोक कर सकते हैं, आप नॉकआउट कर सकते हैं, आप टेक्निकल नॉकआउट कर सकते हैं, सबमिट करवा सकते हैं. तो बड़ी खतरनाक ये कॉन्टेस्ट है आपके लिए. यूएफसी के पूरी अपडेट्स लेके आएंगे. इसके अलावा भी एक और टाइटल फाइट भी है यूएफसी 263 में, और एक और नेट डियाज जो कि वन ऑफ माय फेवरेट फाइटर्स है, उनका भी कॉन्टेस्ट है. इस सारी अपडेट देंगे, देते रहेंगे यूएफसी के ऊपर. आप देखते रहिए स्पोर्ट्स यार.